मध्य प्रदेश में तूफान लाने वाली सड़क परियोजना आखिर क्या होगा आपके गांव का। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मध्य प्रदेश में परिवहन क्रांति लाने का दावा करने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में क्रांति लाएगी या ये आपके गांव में तूफान ला खड़ा करेगी। द खबरदार न्यूज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम मध्य प्रदेश जिला संपर्क क्षेत्र परियोजना पर गौर करते हैं, विकास की रफ्तार या जमीन अधिग्रहण का तूफान एमपी डीपीएसपी राज्य सरकार की एक पहल है, जिसे एशियाई विकास बैंक से सहयोग प्राप्त है। जैसा कि खबरों में बताया गया है, इस परियोजना का लक्ष्य जिला मुख्यालयों और राज्य राजमार्गों को जोड़ने वाली प्रमुख जिला सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन रुकिए, जश्न मनाने से पहले आइए देखें कि आपके गाँव के लिए इस परियोजना के क्या मायने हो सकते हैं। द खबरदार न्यूज हमेशा की तरह सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेगा। क्या आपके गांव को छुएगी यह सड़क, विकास या विस्थापन? परियोजना लगभग 1600 किलोमीटर सड़क को लक्षित कर रही है, जिसमें चौड़ीकरण, सतह सुधार और पुलिया पुलों का जीर्णोद्धार शामिल है। इसका मतलब है आपके गांव से होकर गुजरने वाली सड़क भी चौड़ी हो सकती है। द खबरदार न्यूज इस बात पर नजर रखेगा कि ठेकेदार किसानों के हितों का सम्मान करते हैं या नहीं। विकास के पहलू, आर्थिक तरक्की का राजमार्ग, जैसा कि सरकार दावा करती है, बेहतर सड़कें आपके गांव के उत्पादों को बाजार तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेंगी, जिससे किसानों और व्यवसायियों की आय बढ़ सकती है। द खबरदार न्यूज स्वतंत्र रूप से इस दावे की सत्यता की जांच करेगा और आपको रिपोर्ट करेगा। सुख सुविधाओं का आसान रास्ता, नई सड़कें अस्पतालों, स्कूल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को आसान बना सकती हैं। द खबरदार न्यूज ये सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार सड़क निर्माण के दौरान गाँव को पूरी तरह से अलग थलग ना कर दे। लेकिन क्या जमीन अधिग्रहण होगा तूफान का सबब? खेत जाएंगे, रोजगार छूटेगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है, जिससे खेत जाने और रोजगार खोने की चिंता लोगों को सता सकती है। द खबरदार न्यूज इस बात पर कड़ी निगरानी रखेगा कि सरकार जमीन अधिग्रहण के दौरान पारदर्शिता बरतती है और उचित मुआवजा प्रदान करती है। मुआवजा मिलेगा या होगा अन्याय? सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा देगी, लेकिन क्या ये उचित होगा? द खबरदार न्यूज पीड़ित किसानों और ग्रामीणों की आवाज बनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें न्याय मिले। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि एसपी डीएसपी वास्तव में मध्य प्रदेश के गांव में विकास लाए, ना कि तूफान। द खबरदार न्यूज लगातार इस परियोजना पर नजर रखेगा और आपको इस तरह की अपडेट देता रहेगा। आप हमारी वेबसाइट thekhabardar.com को फॉलो करें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से ना चूके। इसके साथ ही जमीनी सच्चाई और विकास की खबरों के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। जल्द ही मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ला रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस, आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाई।